Now again, next C program to searching smallest and largest element from a given array. Suppose that अगर आपके पास कोई भी array given है, array के अंदर आपको find out क्या करना है, smallest and largest element. इसके लिए जस्ट two possible cases हैं, या तो आप smallest और largest element सर्च करोगे, या smallest और largest element का index सर्च करोगे. अगर आप element सर्च करो, तो element के केस में two possible cases होंगे. से smallest के केस में return क्या कराएंगे? Smallest value from given array. Largest के केस में function से return क्या कराओ? Largest element from a array. अगर आपको इंडेक्स्ड पोजीशन रिटर्न कराना है तो इस केस में रिटर्न क्या कराएंगे? वैल्यू ऑफ इंडेक्स वैल्यू एज आई. अगर इसमें एलिमेंट रिटर्न कराना है तो रिटर्न क्या कराओगे? ए ऑफ आई. क्योंकि ए ऑफ आई से रिटर्न क्या हुआ है? एलिमेंट. और आई से रिटर्न क्या हुआ है? इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट. सबसे पहले मैं जस्ट लॉजिक डिस्कस कर रहा हूं रिगार्डिंग स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट. जैसा कि आपको पता है किसी भी फंक्शन से एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कराना पॉसिबल. इस केस में ऑपरेशंस को परफॉर्म कराने के लिए क्रिएट क्या करूंगा? सेपरेट यूजर डिफाइंड फंक्शंस. या किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में एट ए टाइम ओनली सिंगल वैल्यू रिटर्न कराना पॉसिबल. जस्ट इस केस में आपको रिक्वायर्ड कितने वैल्यू? स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट. टू डिफरेंट पर्पस में सेपरेटली टू सेपरेट फंक्शंस प्रोवाइड करूंगा, स्मॉलेस्ट फंक्शन और लार्जेस्ट फंक्शन. सबसे पहले लॉजिक्स की बात करें. फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट अगर आपके पास कोई इंटीजर एरे गिवन है विद मैक्सिमम साइज. अगेन मैं एरे क्रिएट करूंगा विद मैक्सिमम साइज. ठीक है, एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने मैनेज करेंगे? एन एलिमेंट्स लाइक दैट. मैंने मैक्सिमम साइज का कोई एरे क्रिएट करा लिया लाइक दैट. लेकिन इसके अंदर सपोज दैट एरे का साइज क्या है? मे बी 10, 100 और 1000. लेकिन मैंने इस केस में एरे का नेम क्या है? ए और एन का वैल्यू मैंने रन टाइम पर एंटर किया है एज 5. तो इस केस में एरे के अंदर लॉजिकली एलिमेंट्स कितने मैनेज होंगे? 5 एलिमेंट. फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस. सेकेंड स्टेप क्या? रीडिंग वैल्यूज फॉर एन. सपोज दैट एन का वैल्यू मैंने रीड करा लिया जाए 5. थर्ड स्टेप, स्टेप्स वाइज आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है. अगर आपको एक बार स्टेप्स क्लियर हो प्रोग्राम के, देना आपके लिए सोर्स कोड इजीली राइट करना पॉसिबल. क्योंकि मोस्ट ऑफ केसेस में प्रोग्राम्स के अंदर बार बार सेम स्टेप्स रिपीट होते हैं, बस ओनली चेंजेस केस में ओनली लॉजिक्स. इस केस में जस्ट फर्स्ट केस क्या? वेरिएबल डिक्लेरेशंस. वेरिएबल डिक्लेरेशन मीन्स लॉजिक्स प्रोवाइड करना है इन साइड मैन फंक्शन. तो वाइड मैन. जस्ट मैं सोर्स कोड के साथ साथ लॉजिक्स भी डिस्कस करूंगा. क्लियर? मेन के अंदर आपको रिक्वायर्ड क्या है? एरे डिक्लेरेशन. सम एरे ए हैविंग 10 एलिमेंट्स. अगर आपको 100 या 1000 एलिमेंट मैनेज करना है तो यूज कर सकते हो मैक्सिमम साइज लाइक 100 और 1000. नेक्स्ट वन, एरे के एलिमेंट्स को इटरेट करने के लिए यूज क्या करें? इंडेक्स वेरिएबल आई. नेक्स्ट केस, एरे का लॉजिकल साइज मैनेज करने के लिए क्रिएट क्या करें? वेरिएबल एन. क्लियर? इसके अलावा आप जस्ट इसे एरे से रिट्रीव क्या करना चाहते हो? वैल्यू ऑफ मिनिमम एलिमेंट, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट. क्लियर? लेकिन इसके अलावा अदर वैल्यूज क्या क्रिएट कराएंगे? मीन्स रिजल्ट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए एक्स्ट्रा वैल्यूज क्रिएट करोगे जब मिन कॉमा मैक्स. क्लियर? नेक्स्ट वन, सेकेंड स्टेप क्या है? रीडिंग वैल्यू ऑफ एन और लॉजिकल साइज ऑफ एरे. तो नेक्स्ट टाइम आप रीड क्या करा लोगे? पुट्स एंटर साइज ऑफ एरे. से स्टेप्स कैसे हैं? सेम एज प्रीवियस, नथिंग न्यू. एंटर साइज ऑफ एरे. जस्ट आपको कॉन्सेंट्रेट क्या करना? लॉजिक्स ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फंक्शन. देन जस्ट स्कैन ऐप के थ्रू वैल्यू किसके लिए रीड करोगे? वैल्यूज फॉर एन. % वी आर यूजिंग सप्लाइंग एड्रेस ऑफ एन. फर्स्ट स्टेप क्या था? वेरिएबल डिक्लेरेशन. सेकंड स्टेप रीडिंग वैल्यू ऑफ एन. सपोज दैट इस केस में एन का वैल्यू एंटर किया 5. तो कीबोर्ड से वैल्यूज कितने रीड कराना आपको? 5 वैल्यूज. तो 5 वैल्यूज को रीड कराने के लिए या तो आप सेपरेट फंक्शन क्रिएट कर सकते हो या रीड फंक्शन. तो सेपरेटली फंक्शन क्रिएट करेंगे रीड फॉर रीडिंग एलिमेंट ऑफ द एरे. इन इस केस में सप्लाई क्या करोगे? एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस और एरे का बेस एड्रेस और साइज ऑफ एरे एन. तो जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, इस केस में फंक्शन के अंदर एक लॉजिकली लूप मैनेज करेंगे. लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? एन टाइम. जस्ट इसके लिए फंक्शन क्रिएट कराऊँ वॉइड रीड. रीड फंक्शन ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम्पल में मैनेज कर चुका हूँ. मीन्स इस केस में पास क्या हो रहा है? ए. ए मीन्स एरे नेम. और एरे नेम के प्लेस पर ऑलवेज रिप्लेस क्या होता है? एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस. करेंटली इस केस में एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है? 100. तो इस केस में जस्ट पास क्या हुआ? 100. 100 में से एलिमेंट कैसा है? इंटीजर. इंटीजर टाइप के एलिमेंट का एड्रेस स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ? इंटीजर पॉइंटर. देन इसके अलावा इस एरे के अंदर रिमेनिंग एलिमेंट पॉइंटर में इंक्रीमेंट करा के एक्सेस करना पॉसिबल है. इन कितनी बार इंक्रीमेंट करा हुआ? एन टाइम्स. देन लूप को मैनेज करने के लिए क्रिएट करेंगे इटरेटिव वेरिएबल आई. देन सिंपली रीडिंग एन एलिमेंट्स. लूप को मैनेज करेंगे फॉर आई इक्वल्स टू 0
i less than n, ये लॉजिक्स बार बार रिपीट नहीं करूँगा, जस्ट इनिशियल प्रोग्राम से इसलिए इस टाइप के लॉजिक्स राइट करूँगा, अदरवाइज मैं फाइनली डायरेक्टली मेन लॉजिक्स कॉन्सेंट्रेट करूँगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, इसके इसमें एलिमेंट्स को रीड कराने के लिए यूज़ क्या कर लेंगे, स्कैन ऐप परसेंट डी रीडिंग वैल्यू ए ऑफ, सॉरी ए का एड्रेस लिस्ट किसके पास है, पी के पास, तो यूज क्या करेंगे पी ऑफ आई, एड्रेस ऑफ पी ऑफ आई। क्लियर? जैसे ही पर्टिकुलर फंक्शन कॉलिंग कंप्लीट होगा, मीन एरे के लिए एलिमेंट रीड हो जाएंगे। सपोज दैट एरे के लिए मैंने एलिमेंट्स एंटर किए 2, 8, 1, 9, 7। क्लियर? दैट आर, इस कितने एलिमेंट्स रीड कराना है, 5, जबकि साइज क्या है, मैक्सिमम साइज समथिंग 10, 20, लाइक दैट। नेक्स्ट रिक्वायर्ड ऑपरेशन क्या है, फाइंड आउट क्या करना, मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर फ्रॉम गिवन एरे। तो इस केस में मिनिमम नंबर कैलकुलेट करने के लिए इसका रिजल्ट किस में असाइन करा लेंगे, मिनिमम। इस केस में कॉल क्या करेंगे, फंक्शन नेम है, जस्ट अभी यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करेंगे एज अ स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम गिवन एरे, प्लस जैसे एरे के किसी एरे के अंदर एलिमेंट सर्च कर रहे हो उस एरे का एड्रेस पास करोगे एंड एरे का साइज, क्योंकि किसी भी एरे को फंक्शन के थ्रू ऑपरेट करने के लिए मिनिमम 2 इनपुट्स रिक्वायर्ड होंगे, एरे का बेस एड्रेस और साइज ऑफ एरे। तो ये मिनिमम क्या आसान हो जाएगा, मिनिमम एलिमेंट का वैल्यू सेम एज मैक्स। मैक्स के लिए मैं सेपरेट फंक्शन क्रिएट करूंगा समथिंग लार्जेस्ट, लार्जेस्ट के केस में अगेन क्या पास करें, ए कॉमा एन, जो भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स में असाइन हो जाएंगे। डिस्प्ले क्या कराओगे, वैल्यू ऑफ मिन एंड वैल्यू ऑफ मैक्स। क्लियर? मिन इक्वल्स टू परसेंट डी और समथिंग स्लैश एन। आप किस केस में इंडेक्स रिटर्न कराना चाहते हो, किस केस में वैल्यू, और सिंपली इन फंक्शन से रिटर्न क्या कराओगे, आइदर इंडेक्स और वैल्यू। इंडेक्स रिटर्न कराना देन आई का वैल्यू रिटर्न कराओगे, और वैल्यू रिटर्न कराना देन ए ऑफ आई रिटर्न कराएंगे। क्लियर? आप पर डिपेंड करें, इसके इसमें डिस्प्ले क्या कराया मैंने, वैल्यू ऑफ वेरिएबल मिन, सिमिलरली वैल्यू ऑफ वेरिएबल मैक्स। फाइनली इसे जस्ट डमी लॉजिक्स है, नथिंग न्यू। आपको ओनली कॉन्सेंट्रेट क्या करना है इसके इसमें, स्पेशली लॉजिक ऑफ स्मॉलेस्ट फंक्शन, लॉजिक ऑफ लार्जेस्ट फंक्शन, परसेंट डी एंड डिस्प्ले क्या करा लेंगे, मैक्स। इस द डमी लॉजिक्स मीन्स कंप्लीटेड। फाइनली आप कॉन्सेंट्रेट क्या करना, मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन। आप इस कोड को कॉपी कर लेना, मैं जस्ट इसको रिलीज कर रहा हूँ। रीड फंक्शन के जस्ट बाद में इंप्लीमेंट क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट केस में स्मॉलेस्ट फंक्शन। स्मॉलेस्ट के केस में फंक्शन से रिटर्न क्या होगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, एलिमेंट का टाइप क्या है, इंटीजर, इसलिए फंक्शन का रिटर्न टाइप यूज करोगे ऑल्सो इंट। फंक्शन नेम एज स्मॉलेस्ट और जस्ट स्मॉल एनी नेम। आर्ग्यूमेंट में क्या पास हुआ, एरे नेम, एरे नेम से रिप्रेजेंट क्या हुआ, एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, एड्रेस को असाइन कराएं पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर का भी नेम मैं यूज करूंगा ए, प्लस एरे के अंदर कितने एलिमेंट प्रोसेस करने नीड होगी, एन एलिमेंट। जस्ट अब इसके पहले मैं लॉजिक्स डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद जस्ट इसके लिए कोड प्रोवाइड करें। लॉजिक्स मीन्स क्या, जस्ट इसे स्मॉलेस्ट फंक्शन के थ्रू एरे के सारे एलिमेंट भी रीड करोगे, ऑल एलिमेंट अप टू एन माइनस वन। क्लियर? इसे इस फंक्शन के अंदर एक डमी वेरिएबल यूज करोगे समथिंग वेरिएबल नेम एज मिन, देन मिन में इनिशियली असाइन क्या करा लेंगे, एरे का फर्स्ट एलिमेंट, मीन एरे के फर्स्ट एलिमेंट जीरो इंडेक्स के एलिमेंट को मैं बाय डिफॉल्ट एज्यूम करके चलूंगा, दिस इज द मिनिमम एलिमेंट, इसलिए इस केस में असाइन क्या हो जाएगा, ए ऑफ जीरो, प्लस लूप मैनेज करने के लिए यूज क्या करेंगे, आई। मीन जब ये फंक्शन कॉल हुआ इसके अंदर टू वेरिएबल्स क्रिएट हुए, मिन एंड आई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिन करेंटली, करेंटली मिन में क्या आसान हो चुका है, डायरेक्टली वैल्यू ऑफ ए ऑफ, इस केस में वैल्यू मिन में क्या आसान करें, वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, इस एरे के अंदर फर्स्ट एलिमेंट का नेम क्या है, ए ऑफ जीरो, इसका वैल्यू क्या है टू, जस्ट मिन में क्या आसान हो जाए, वैल्यू एज टू। इस केस में जैसे लॉजिक किस टाइप से अप्लाई करोगे, मीन से इनिशियली फर्स्ट एलिमेंट को कंसिडर करेंगे एज अ मिनिमम एलिमेंट ऑफ दिस एरे, एरे के इसमें फर्मीस बाइट फर्मीस, जरूरी नहीं कि फर्स्ट एलिमेंट ही मिनिमम हो, इनिशियली ये किसी भी एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर लोगे एज अ मिनिमम, देन इसे मिनिमम एलिमेंट को रिमेनिंग ऑल एलिमेंट से कंपेयर कराएं वन बाई वन, प्लस जो भी रिमेनिंग कंपेरिजन में जो भी मिनिमम एलिमेंट फाउंड हुआ उसको एवरी टाइम कॉपी किसमें करा हुआ, एग्जिस्टिंग वेरिएबल मिन। इनिशियली फर्स्ट टाइम मिन में कैसा होगा, वैल्यू ऑफ ए जीरो, ए जीरो मीन्स फर्स्ट एलिमेंट। अब इस फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर किससे कराएं, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द एरे। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड केस में बात करें, जिस लॉजिक में बाद में प्रोवाइड करूँ, फर्स्ट टाइम मेन में क्या आसान हो चुका है, जस्ट टू, नेक्स्ट टाइम इस पर्टिकुलर टू को मैच किससे, मीन्स कंपेयर किससे करा हुआ, नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है वन, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं
इसको कंपेयर कराएं तो कंपेयर करने के लिए यूज करो लूप। अब एग्जिस्टिंग एलिमेंट जीरो इंडेक्स के एलिमेंट ऑलरेडी मिन में कॉपी हो चुका है, उसको कंपेरिजन कहां से स्टार्ट करो, फ्रॉम वन टू एन माइनस वन। तो इसके इसमें कंडीशन क्या हो जाएगा, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, क्लियर। नेक्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू बना तो मीन्स करेंटली मिन का एग्जिस्टिंग वैल्यू कंपेयर किससे हुआ, ए ऑफ वन से, क्लियर। आई में इनिशियलाइजेशन किस हो रहा, वन से, वन क्या इंडेक्स, तो ए ऑफ वन इन दोनों में जो भी मिन है उस मिन को किस में साइन करा लोगे, वेरिएबल मिन में। तो इसके साथ लूप के अंदर जस्ट कंडीशन राइट डाउन कर सकते हो इन साइड बॉडी ऑफ लूप, कंडीशन क्या है इसके इसमें, एफ मिन, अगर मिन का वैल्यू इससे आई थी इंडेक्स के एलिमेंट से बड़ा है तो इन दोनों में मिनिमम कौन हुआ, एग्जिस्टिंग मिन और ए ऑफ आई, ए ऑफ आई, अगर मिन का वैल्यू ए ऑफ आई से बड़ा होता है तो इस केस में इन दोनों में मिनिमम कौन हुआ, ए ऑफ आई। तो मिन में क्या सन करा लो, न्यू वैल्यू एज ए ऑफ आई, क्लियर। देन इस टाइप से लूप एग्जीक्यूट, इस केस में इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, जस्ट आई के केस में क्या इंडेक्स वन, वन के केस में फर्स्ट टाइम करेंटली इस प्लेस पर मीन्स चेक कर सकते हो मिन में क्या स्टोर है, दैट प्लेस मीन्स इस प्लेस का एलिमेंट, मिन में क्या है वैल्यू ऑफ दैट एलिमेंट और आई में क्या है इंडेक्स ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट। इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करें, इन दोनों मिनिमम कौन है, टू। तो मीन्स इन दोनों एलिमेंट के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी मिन में क्या फॉर्म रहा है, मिनिमम एलिमेंट। तो आपको कुछ भी आसान करने की जरूरत है क्या नहीं, जब इफ कंडीशन टेस्ट होगा, इफ कंडीशन कैसा है, फर्स्ट टाइम फॉल्स, बिकॉज मिन का वैल्यू क्या है इस केस में टू एंड आई ए ऑफ आई का वैल्यू क्या है एट, टू ग्रेटर देन एट कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स है देन नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या जाए टू, नेक्स्ट टाइम आई किस पर सेट हो जाएगा, नेक्स्ट प्लेस मीन्स नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट टाइम अगेन मिन को कंपेयर किससे कराएंगे, आई थी इंडेक्स के एलिमेंट से। तो अगेन फिर से कंडीशन टेस्ट होगा फॉर लूप के केस में, आई का वैल्यू क्या टू और एन का वैल्यू क्या पास हुआ था जस्ट फाइव, एन इज अ लेंथ ऑफ दिस एरिया, एन का वैल्यू फिक्स है इस केस में, एन का वैल्यू क्या फाइव, तो टू लेस देन फाइव कंडीशन इज टू, कंडीशन टू देन मिन, मिन का वैल्यू करेंटली क्या है टू, मिन में क्या फाउंड हो रहा है जस्ट वैल्यू एज टू, ग्रेटर देन ए ऑफ आई, ए ऑफ आई में क्या फाउंड हो रहा है, ए ऑफ आई मीन ए ऑफ टू, सेकंड इंडेक्स क्या फाउंड हो रहा है वन, इस केस में टू ग्रेटर देन कंडीशन वन, ट्रू और फॉल्स, कंडीशन ट्रू इसका मतलब मिनिमम वैल्यू किसके पास है, मिन के पास और ए ऑफ आई के पास, ए ऑफ आई के पास, क्योंकि मिन में क्या टू और ए ऑफ आई में क्या वन, इन दोनों में छोटा एलिमेंट कौन सा है वन, तो इसलिए इफ कंडीशन ट्रू होगा तो इफ कंडीशन ए ऑफ आई का करेंटली वैल्यू क्या वन, आसानी के समझ आए मिन में, तो मिन का नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा वन। मीन्स जस्ट इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, इनिशियली फर्स्ट एरे के फर्स्ट या लास्ट एलिमेंट को कंसिडर करवाया जाए मिनिमम एलिमेंट, इसका वैल्यू रिमेनिंग एलिमेंट से कंपेयर कराते जाओ, जो भी इनमें से मिनिमम फाउंड हुआ कंपेरिजन में उस मिन वैल्यू को एवरी टाइम कॉपी किस में कराओगे, मिन में, क्लियर। नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होगा तो आई के केस में आई का वैल्यू क्या हो जाएगा जस्ट थ्री, तो नेक्स्ट टाइम मीन्स अभी तक इन थ्री कंडीशन में थ्री एलिमेंट्स में मिनिमम कौन था वन, जो कि अवेलेबल किस में, वेरिएबल मिन में, तो मिन ऑलवेज मैनेज क्या करेगा मिनिमम वैल्यू, नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू थ्री हो चुका है तो नेक्स्ट टाइम आई थर्ड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, अगेन थ्री लेस देन फाइव कंडीशन इज ट्रू, देन मिन के केस में वैल्यू क्या है वन और ए ऑफ आई का वैल्यू क्या है नाइन, वन ग्रेटर देन नाइन कंडीशन फॉल्स, फॉल्स है देन अगेन आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट फोर, तो आई जब नेक्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा देन इससे कंपेरिजन होगा नेक्स्ट टाइम, फोर लेस देन फाइव कंडीशन ट्रू, मिन का वैल्यू क्या है वन और ए ऑफ आई का वैल्यू क्या है सेवन, वन ग्रेटर देन सेवन कंडीशन अगेन फॉल्स, फॉल्स है देन आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइव, कंडीशन टेस्टिंग फॉर लूप के केस में फाइव लेस देन फाइव कंडीशन बिकम फॉल्स, जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा कंट्रोल कहां जाएगा इमीडिएटली आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, देन इस प्लेस आप फाइनली रिटर्न क्या कराओगे, रिटर्न के केस में टू पॉसिबल केस हैं, या तो आप मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न कराओगे या फिर आई, अगर इंडेक्स रिटर्न कराना था उस केस में एवरी टाइम मिन में क्या असाइन कराओगे आई नॉट ए ऑफ आई, क्लियर। देन कंपेरिजन किससे होगा ए ऑफ मिन, क्लियर। मीन्स इस केस में अगर इंडेक्स रिटर्न कराना है तो इंडेक्स के रिस्पेक्ट में इफ कंडीशन क्या बन जाएगा इफ ए ऑफ मीन, इस केस में मीन वर्क करेगा एक्ट्स लाइक इंडेक्स इफ ए ऑफ मीन ग्रेटर देन ए ऑफ आई, अगर एक कंडीशन ट्रू है देन मीन में क्या असाइन करा लेंगे डायरेक्टली वैल्यू ऑफ आई, इस केस में रिटर्न क्या कराओगे आउटसाइड लूप, लूप के बाद रिटर्न क्या करा रिटर्न आई, तो इस केस में रिटर्न क्या हुआ इंडेक्स्ड पोजिशन। अगर आपको एलिमेंट रिटर्न कराना है करंट केस में मीन में क्या स्टोर है एलिमेंट, रिटर्न क्या हो जाएगा जस्ट मिन, या इस प्लेस पर क्या जस्ट ऑल्सो मिन, दोनों केस में रिटर्न क्या हुआ मिन, फर्स्ट केस में मिन क्या मेंटेन कर रहा है जस्ट मिनिमम एलिमेंट और सेकंड केस में मिन के अंदर क्या मैनेज हो रहा है इंडेक्स ऑफ मिनिमम एलिमेंट, क्लियर। दिस इज द कंप्लीट लॉजिक अबाउट मिनिमम फंक्शन, सेम एज लार्जेस्ट के रिस्पेक्ट में मैनेज करना लार्जेस्ट फंक्शन, तो लार्जेस्ट फंक्शन के केस में ऑलमोस्ट सेम लॉजिक्स होंगे, फंक्शन नेम यूज कर लेंगे लार्जेस्ट, आप इस लॉजिक को पहले कॉपी कर लेना लार्जेस्ट,
आर्गुमेंट टाइप क्या रहेगा, सेम। अगेन इस केस में वेरिएबल नेम्स में आपको रिक्वायर्ड क्या हुआ, एन के केस में वैल्यू क्या पास हुआ, सेम। देन मिन के प्लेस पर वेरिएबल नेम रीडेबल फॉर्म में यूज कर सकते हैं, जब मैक्स आई के प्लेस पर आई। देन अगेन लूप के केस में लूप के फर्स्ट एलिमेंट को कंसीडर करेंगे जब मैक्सिमम एलिमेंट, इस केस में फर्स्ट एलिमेंट क्या है ए ऑफ जीरो, और ए ऑफ जीरो किसमें असाइन हो जाएगा, वेरिएबल मैक्स। मिन के प्लेस पर वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है, मैक्स, मैक्स का वैल्यू क्या जाएगा टू। तो मीन्स प्रीवियस केस में टू को कंसीडर किया था मिनिमम एलिमेंट, इस केस में टू को कंसिडर किया जाए मैक्सिमम एलिमेंट, या वैल्यू क्या डजंट मैटर, जस्ट फर्स्ट एलिमेंट। एवरी टाइम इसे एलिमेंट को रिमेनिंग एरे के रिमेनिंग एलिमेंट से कंपेयर करा हुए, मीन्स करंट मैक्स और रिमेनिंग एलिमेंट्स में जो भी बड़ा होगा उस बड़े नंबर को कॉपी किसमें कराएंगे, मैक्स में। तो इसके इसमें कंडीशन क्या हो जाएगा, इफ वैल्यू ऑफ मैक्स इज लेस देन ए ऑफ आई, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब क्या है, इनमें से छोटा कौन है, मैक्स या ए ऑफ आई, आप फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम। तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन हुआ, उसके समय कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू तो इसका मतलब ए ऑफ आई बढ़ा है, और ए ऑफ आई बढ़ा है तो मैक्स में क्या असाइन करा हुए, ए ऑफ आई, सेम एज प्रीवियस केस। तो फाइनली रिटर्न क्या कराएंगे, वैल्यू ऑफ मैक्स। इस दोनों केस में लॉजिक कैसे हैं, ऑलमोस्ट सेम। इस दोनों ही फंक्शंस पर कंप्लीट कर चुका हूँ, फाइनली इन दोनों ही डिफाइंड फंक्शंस के थ्रू एरे के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना पॉसिबल, एरे का लेंथ कुछ हो डजंट मैटर।